घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट क्यों? खुद को समझता क्या? अल्लू अर्जुन की किस डिमांड ने हिला दिया मेकर्स को? क्या डायरेक्टर सुकुमार भी करेंगे मेकर्स को परेशान? फीस और बजट के चक्कर में किसका होगा नुकसान? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का अपनी आने वाली फिल्म पठान के लिए 100 करोड़ की मांग करना ये चर्चा का विषय बन गया था। पर ये मांग करके भी शाहरुख खान सलमान और अक्षय कुमार से पीछे ही रह गए। पूछे कैसे? वो ऐसे क्योंकि अक्षय और सलमान 100 करोड़ से ज्यादा फीस चार्ज करके हाईएस्ट पेड एक्टर्स बन चुके हैं और अभी तक कोई एक्टर उनके आसपास नहीं पहुंच पाया था। पर बॉलीवुड एक्टर सातवें आसमान पर हो और साउथ के एक्टर्स पीछे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए आ गए हैं ना हमारे पुष्पा तीसरी पोजीशन पर राज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म पुष्पा 2 के लिए उन्होंने 125 करोड़ की मांग की है, जिसके कारण वो थर्ड हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। क्योंकि अभी तक प्रभास ने भी इतनी दमदार फीस चार्ज नहीं की, बल्कि वो उनकी आने वाली फिल्म आदि पुरुष के लिए 120 करोड़ ले रहे हैं। इसका मतलब वो इस मामले में अल्लू से पीछे हैं। मतलब कि फिल्म पुष्पा 2 में स्मगलिंग की दुनिया को रूल करने आ रहे पुष्पा फीस के मामले में भी सबके बाप बन चुके हैं। अब ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर मेकर्स का क्या हाल हुआ होगा, कभी ये सोचा है आपने? अब मेकर्स भी क्या करेंगे, पुष्पा फिल्म के बाद अल्लू अर्जुन ने सारा पैसा वसूल किया अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ, तो उनकी डिमांड तो माननी ही पड़ेगी। वैसे अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के लिए 85 करोड़ चार्ज किए थे और अब वो 125 करोड़ ले रहे हैं, पर उनके फैंस को पूरा विश्वास है कि ये फीस आराम से वसूल हो जाएगी। इसी के साथ डायरेक्टर सुकुमार भी अल्लू की तरह अपनी फीस बढ़ा चुके हैं। उन्होंने पुष्पा के लिए 18 करोड़ लिए थे और अब उनकी फीस है 75 करोड़। मतलब 200 करोड़ तो लीड एक्टर और डायरेक्टर पर ही खर्च हो रहे हैं, इसीलिए तो फिल्म का बजट बढ़ाया गया। वैसे पुष्पा का बजट 300 से 350 करोड़ था, पर अब पुष्पा 2 के लिए मेकर्स को 450 करोड़ बहाने पड़े हैं। इसमें से 200 करोड़ तो इन दोनों के लिए है। ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती दोस्तों। पुष्पा 2 के लिए सुकुमार और अल्लू अर्जुन ने यह फैसला किया कि फिल्म के प्रॉफिट में वो 40% हिस्सेदारी रखेंगे, यानी 40% सुकुमार को, 40% अल्लू अर्जुन को और अब बचे 20% मेकर्स के लिए। अब इतनी सारी शर्तें और डील के साथ मेकर्स का प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? अब ये बात तो सच है कि अल्लू अर्जुन जैसे प्रॉमिसिंग एक्टर्स पर पैसा लगाया जा रहा है तो रिटर्न में अच्छा खासा फायदा तो होगा, पर प्रोड्यूसर की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ये सोचता है कि अगर फिल्म ने कमाल नहीं किया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि इसमें ना अल्लू अर्जुन का कुछ जाएगा ना सुकुमार का कुछ जाएगा, जाएगा तो प्रोड्यूसर का पैसा, यानी नवीन येरनेनी और वाय रवि शंकर का। वैसे इसी के साथ फिल्म के बाकी एक्टर्स यानी कि रश्मिका मंदाना और एंटागोनिस्ट फहाद फासल ने भी अपनी फीस बढ़ाई है। रश्मिका ने पुष्पा के लिए चार्ज किए थे 2 करोड़, पर उन्होंने 4 करोड़ का चेक मांगा है और मेकर्स को उनकी फीस बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही फहाद यानी इंस्पेक्टर शेखावत को 3 करोड़ 50 लाख रुपए मिले थे, तो अब पुष्पा 2 में उनकी फीस 5 करोड़ हो सकती है। तो ये थे फिल्म की मेन कास्ट और उनकी फीस, जिससे मेकर्स को हार्ट अटैक आते आते रह गया। पर पुष्पा 2 जो अपने अगले साल रिलीज हो रही है वो अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, ऐसा ऑडियंस को भरोसा है, तो मेकर्स को डरने की क्या जरूरत है। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब से फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियोस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।